हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द इंजिलेटर। गाइस, जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे और स्पीकिंग के एक क्यू कार्ड के ऊपर बात करेंगे। गाइस, एज एन इंजिलेटर मैंने देखा है कैंडिडेट एक टॉपिक है स्पीकिंग क्यू कार्ड का जो रीसेंट अपडेट हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा वरी करते हैं और जब भी उनको ये टॉपिक आता है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल और पजल हो जाते हैं। तो वो टॉपिक है एंड टूडेज आर टॉपिक इज टॉक अबाउट ए पब्लिक फैसिलिटी That improves local life quality। तो भाई ये हमारा आज टॉपिक है। टॉक हमें बात करनी है एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में जो अभी रिसेंट इम्प्रूव हुई है और जिसने आपकी इम्प्रूव करा लाइफ स्टाइल को, लाइफ क्वालिटी को। मीन्स हमें पहले टॉपिक को समझना पड़ेगा। हमें ऐसी फैसिलिटी के बारे में बोलना है, पब्लिक फैसिलिटी के बारे में जिसने हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव करी है। मतलब आपको ज़रूर ये तो बताना है कि दैट फैसिलिटी कौन सी है वो, लेकिन आपको वो ये भी बताना है उसने आपकी लाइफ कैसे इंप्रूव करी। मींस लोकल पब्लिक की लाइफ कैसे इंप्रूव करी। एंड देयर सब पार्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दैट, व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इम्प्रूव्स लाइफ। तो भाई ये हमारे क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन फुली कवर करने बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी स्पीकिंग में। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीडलेस टू से द काउंसिल ऑफ माय सिटी एस्टेब्लिश वेरियस फैसिलिटीज टू बेनिफिट द लोकल्स और द रेजिडेंट्स एंड हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन फैसिलिटी दैट्स बीन रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लोकल पीपल। तो भाई हमने एक इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, हम टॉपिक में क्या बोलने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है, हमारा जो हम बोलते हैं उसमें यही होता है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे टॉपिक को। और गाइस बहुत से कैंडिडेट हैं जो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस टॉपिक एंड दिस क्यू कार्ड एंड मैनी मोर थिंग्स। गाइस ये चीज़ें मत यूज़ करा करो। अगर आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो इन योर स्पीकिंग तो गाइज़ आप कभी भी अच्छे बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाओगे। और मैंने बहुत से देखे हैं जो आइल्स टीचर होते हैं जो ऐसे रेकमेंड करते हैं, गाइज नेवर यूज़ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस टॉपिक, बिकॉज ये दीज आर प्री प्लान्ड। और जब एग्जामिनर आपका एग्ज़ाम लेते हैं वो इस चीज़ के आपको कभी मार्क्स नहीं देंगे। और उसके बाद एक्चुअली देयर वॉज नो पार्क इन माई सिटी सो दैट्स वाई पीपल इन माई टाउन कुड नॉट गो आउट फॉर वॉक और इन्जॉय द ग्रीनरी। However, at the same time, there was a huge vacant plot in my city where individuals were dumping their garbage and this area used to give very foul smell and lots of stray animal. तो भाई इस पैराग्राम में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हम पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स फर्स्ट में हमने इंट्रोड्यूस करा हमारा टॉपिक और दूसरे में हमने ये बता दिया कि हम पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, बट लास्ट ईयर द काउंसिल डिसाइडेड टू ट्रांसफॉर्म द वेकेंट प्लॉट इनटू ए पार्क एंड जस्ट मंथ अगो ए पार्क वाज कंस्ट्रक्टेड हैज़ बिकम रियली पॉपुलर इन नो टाइम। तो गाइस इसमें जो हमने बात कर ली, कब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हेन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, तो हमने वो भी कवर कर लिया। उसके बाद देयर इज़ ए लश ग्रीन ग्रास ऑल अराउंड द थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज सो इट हैज़ नॉट ओनली इनहांस द ब्यूटी ऑफ माई सिटी बट हैज़ ऑल्सो ग्रेटली हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ पोल्यूशन। दिस प्लेस हैज़ रियली हेल्प एवरी वन टू सोशलाइज विद ईच अदर। एट द सेम टाइम देयर आर फ्री योगा क्लासेज ऑफर्ड एंड देयर इज़ ए योगिंग ट्रैक वेयर पीपल कैन इन्जॉय देयर योगिंग। तो गाइस ये हमारी जो सारी बातें हुई हैं, पूरे हमने टॉपिक कवर कर दिए। इसमें लास्ट में हमने बता दिया कि हमारे जो क्लास योगा क्लासेस हो रही हैं हमारे वहाँ पे, जैसे उन्होंने लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करा और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे सोशलाइज हो गए बिकॉज वो एक जगह पे गैदर हो रहे हैं। और उसके अलावा पोल्यूशन कम हो रहा है सिटी का बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। और उसके अलावा अगर आप और कंटेंट भी ऐड कर सकते हो, लाइक दे आर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय सम लोकल डॉक्टर्स देयर एंड चिल्ड्रंस आर आल्सो इंजॉय फ्री राइड्स देयर बिकॉज नंबर ऑफ राइड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द
local government there, and many more things you can add on your topic if you want, if you have enough time to talk. And otherwise you can end your topic like this. To cut the long story into short, it is a wonderful facility that has really helped to improve the quality of life in my area. तो भाई ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्यू कार्ड है. अगर आप प्रिपेयर करना चाहो ऐसा ही बोल के हो तो आप इजीली गाइस 7 अचीव कर लोगे, बिकॉज एग्जामिनर कभी भी आपके इसमें फ्लुएंसी बहुत चेक करता है, ग्रामर चेक करता है, यही चीज़ें चेक होती है, फ्लुएंसी, ग्रामर एंड योर रेंज ऑफ वर्ड्स एंड योर टास्क रिस्पॉन्स. गाइस टास्क रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है और इसमें हमारा फुल टास्क रिस्पॉन्स है. अगर आप ये भी टॉपिक बोल के आओ तो आप इजीली 7 बैंड अचीव कर लोगे. और ये एक अच्छा सैंपल है और जो मैंने ये पढ़ा था इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी समझा. और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें पजल हो जाते हैं जो मैंने आज तक देखा है. तो गाइस प्लीज़ पजल मत हुआ करो, ये बहुत ईजी टॉपिक है, ध्यान से देखो. गाइज आप वीडियो को पॉज कर करके ध्यान से पढ़ सकते हो इस टॉपिक को, मैं शुरू से लेकर एंड तक ये वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप ज़रूर इसे पॉज करके पढ़ लेना. और गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करो विद अदर आयल्स कैंडिडेट एंड योर फ्रेंड्स. एंड कमेंट करके बताओ कि अगर आपको और कौन सी वीडियो चाहिए आयल्स के रिलेटेड, और हमारी परीक्षण वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द. एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द इन्विजिलेटर. And thank you for watching this video, guys.